हेलो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेके, यानी फिश अपडेट की, जिसके लिए आप इंतज़ार थे कि लॉन्ग वीडियो बनाओ लॉन्ग वीडियो बनाओ, और मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं बता दूंगा आपको मैं फ़िश टैंक की अपडेट क्या क्या देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मैं लेके आया हुआ हूँ 20 पेयर गप्पीस के, जिन्हें मैं आज इस टैंक में रिलीज़ करूँगा, और ये सारी की सारी लोडेड फिशेज़ हैं, जैसे कि आपको देख ही रहा होगा, सब की सब लोड हैं। ये एक ना एक दिन बच्चे देंगी, एक ना एक दिन क्या, एक दो दिन में ही बच्चे दे देंगी। और इसके अलावा ये हमारा जो मिल्की कोई का मेल है, इसके लिए हम लेके आ चुके हैं फीमेल, लेकिन हम इसे अलग कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि ये भी ब्रीडिंग करेगा, जिसे आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा मिल्की कोई की ब्रीडिंग, वो भी हम दिखाएंगे आपको, लेकिन हम दिखाएंगे अपने डिम्पल बार वाले एक्वेरियम में इसको। और इसके अलावा जो टैंक के अंदर की सबसे बड़ी हमारे में दिक्कत हो रही है स्टैम्प, वो हो रही है फंगस की। हमारे पूरे टैंक में फंगस फैलता जा रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप ये दोनों दवाई, रेड इल और एंटी इंक, दोनों दवाई का एक एक ढक्कन टैंक में डाल दें, तो थोड़े दिन के अंदर ही आपका साफ कर देगी। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको सीधा पानी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन सर्दियों में पानी चेंज करने की थोड़ी मुश्किल होती हैं, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता, और हर कोई बचता है कि कहीं हमारी मछलियाँ ना मर जाएं, इस वजह से भी लोग बाग पानी चेंज नहीं करते। तो ऐसा ना सोचें, पानी का टेम्परेचर सही बनाएं पहले, उसके बाद अपनी फिशेस को ऐड करें। आप पानी आराम से चेंज करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और दूसरी बात, हमने जो इसमें एप्पल स्नेल छोड़े थे, वो भी हमारे इन बजरीज को क्लीन कर रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन हमें इसको साफ भी करना था। काफ़ी टाइम से हमने सोच रखा था कि टैंक क्लीन करेंगे, काफ़ी धब्बे भी हो रहे हैं टैंक के अंदर, इसमें थोड़ी लाइटिंग भी ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले अपने टैंक का करते हैं पानी चेंज और दिखाते हैं आपको, फिर उसके बाद में हम अपनी गप्पी क्लीमेंट करके कि कैसे रिलीज़ करेंगे। तो गाइस, हमने कर लिया है अपने एक्वेरियम क्लीन बिल्कुल, पानी चेंज, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम इसका पानी चेंज करेंगे, हमने काफ़ी दिनों से नहीं कराया। तो ये देखिए, अब हमने थोड़ा लुक भी चेंज कर दिया है इसका, और इसमें पानी भरने की समस्या, यानी कि जो दिक्कत होती है हमेशा पत्थर इधर हो जाते हैं, उसका हमने ये जुगाड़ निकाला कि मटके के अंदर पाइप रख दिया। अब इससे पानी आराम से भर जाएगा हमारा, लेकिन अब हम इसमें हाथों हाथ डालते रहेंगे दवाई। सबसे पहले डालेंगे हम अपनी एंटी क्लोरीन, क्योंकि हमारी यहाँ टंकी का पानी है, तो हम ये इतनी छुप बचाएंगे इसके अंदर, बाकी सब डाल देंगे, यानी इतनी बचेगी है, बाकी सब की सब हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमारा टैंक बड़ा है। तो सबसे पहले हमने इसे लोड दिया है अपनी एंटी क्लोरीन को, और जितना हमने खा था उतनी हमने बचाई है। उसके बाद हम डालेंगे अपना रिड ऑल, जो कि है फंगस के लिए, ताकि अब फंगस ना हो इसमें। तो इसका एक ढक्कन हम पानी में डाल देते हैं, और ये डाल दिया हमने रिड ऑल अपने पानी के अंदर। अब हम फिल्टर चलाएंगे ना, मिक्स हो जाएगा। और इसी के साथ हम डालेंगे अपना एंटी इंक के दो ढक्कन, एक हमने अभी डाला, एक हम बाद में डाल देंगे जब फिल्टर चलेगा इसका। अब इसमें पानी भरने देते हैं और इसमें फिर फिल्टर चलाते हैं, फिर आपको बाकी दिखाते हैं, हम गप्पी अपने रिलीज़ करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो गाइस, कर लिया है हमने अपने टैंक का पानी चेंज, और देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है वो हमारा टैंक। हमने लुक पूरा ही चेंज कर दिया इसको, और अपनी गप्पीस को और मिल्की कोई को हमने एक्लीमेंट करने के लिए रख भी दिया था, और अब इन्हें रिलीज़ करेंगे। और सबसे पहले हम जो इसमें पहले की हमारी फिशेज थी, मोली और मिल्की कोई और पाको, हम इसे डालेंगे अपने टैंक के अंदर सबसे पहले, फिर उसके बाद इन्हें रिलीज़ करते हैं और दिखाते हैं आपको हम कौन कौन सी फिशेज लेके आए। तो गाइज, मैंने रिलीज़ कर दी है अपनी सारी की सारी गप्पी फिशीज, और मेल मिल्की कोई का मेल फीमेल दोनों को, दोनों ये बैठे हुए हमारे। और इसके अलावा ये हमारी पूरी 30 की 30 गप्पियाँ, ओ सॉरी 40 की 40 गप्पियाँ ये, और इसमें उसने हमें दो बेबी भी दे दिए थे, जिसे हमने अपनी बच्चा गैंग में डाल दिया। और बाकी हमारी पहले की मोली, कलर वीडो और सारी फिशेज हमारी हो चुकी है, टैंक तैयार बिल्कुल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक बात गाइस, आप देखें सारी मच फिशेज हमारी लोडेड हैं, ये इनमें से मैं भी कुछ फिशेस को अलग करूंगा, जिनका बिल्कुल ही जो देने वाली होंगी अभी, उन्हें मैं उन्हें अलग कर दूंगा इसमें से, वो मैं आपको अगले अपने शॉर्ट्स में दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल ही।